हकीकत वो नहीं होती सुहा जो नजर आती। हाँ तो क्या है हकीकत बताओ। तुम्हें पहले कभी नहीं देखा यहाँ पे, तुम कब से मेंबर हो? काफ़ी देर से, आई हैड अ मीटिंग तो इसलिए मैं आज आ गई। लेकिन तुम्हें मैं आजकल बासित के साथ नहीं देख रही, पहले हमेशा तुम उसके साथ होते थे। इज एवरीथिंग ओके? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं भी होम मिनिस्ट्री में बिजी होता हूँ। बिल्कुल वैसे ही जैसे बासित आयशा भाभी के साथ बिजी होते। हाँ आई बिलीव हनीमून पे गए हुए हैं दोनों, सेंटोरिनी। पिक्चर्स नहीं देखा मैंने, बट यू नो मुझे उन दोनों का मैच कुछ समझ में नहीं आता। मिसफिट, बासित बिल्कुल अलग टाइप का है, आयशा एक और माइंडसेट से बिलोंग करती है। आई डोंट नो व्हाई ही मैरिड हर, पता नहीं खुश भी है या नहीं, या शायद दुनिया के सामने प्रिटेंड कर रहा है कि खुश है। आई डोंट नो, ऐसा कुछ भी नहीं, तुम्हें गलत फहमी हुई है। तुम आयशा भाभी को जानती नहीं हो ना अभी, इसलिए ऐसे कह रही। हाँ शायद, तो फिर कैसा है? हकीकत वो नहीं होती सुहा जो नजर आती। हाँ तो क्या है हकीकत बताओ। I also want to know। उस टाइम बासित के पास कोई ऑप्शन नहीं थी, सामने आयशा भाभी थी और पीछे बाप का डूबता हुआ बिजनेस। So he made a choice. क्या मतलब? I don't understand. सलमान अंकल, बासित फादर, मरने से पहले उन्होंने अपनी विल में ये बात लिख दी कि ये सारी प्रॉपर्टी सिर्फ तब ट्रांसफर होगी बासित के नाम पे जब वो शादी करेगा, क्योंकि वो जानते थे कि बासित खुद कभी शादी नहीं करेगा। पूरी ज़िंदगी गुजार दी उन्होंने उसको इस बात पे कायल करने के लिए कि जैसे ज़िंदगी उनकी गुजरी है वैसे बासित की नहीं गुजरी। Wow, really? That makes sense. Now I understand कि बासित को इतनी जल्दी क्यों थी मुझसे शादी करने की। मेरे पीछे पड़ा हुआ था कि शादी करो and I wasn't ready, so मैंने मना कर दिया। और उसके बाद उसने आयशा को propose किया and of course आयशा से शादी करना तो बहुत आसान था, आयशा कभी मना ना करती। आयशा भाभी को बाकी की डिटेल्स नहीं पता, बेसिकली बासित की अपनी सास आयशाज मदर उनके साथ पैसों को लेके एक डील हुई। अब सिर्फ एक ऐप पर मिले सब कुछ, ARY के तमाम चैनल्स लाइव सिर्फ एक सुपर ऐप पर, ARY Zap, अभी डाउनलोड करें।